जब इकोनॉमिस्ट को मौका मिला बनाने का पॉलिसीज तो ये रिजल्ट था। जब आप मौका नहीं देंगे इकोनॉमिस्ट को, जिसके लिए लड़ रहा है ये, तो फिर ये रिजल्ट होगा। 5 से 6 लोग थे हम, मिलकर काम करते थे, और आज एज वी स्पीक 2 फाइनेंस मिनिस्टर आपस में लड़ रहे हैं। 6 लोग के काम करना पड़ेगा, दिस इज आवर कंट्री। अल्लाह ताला हमारे जो भी करता धरता है उनके दिमाग में ये डाल डाले कि उस वो अपने मुल्क के लिए सोचे। जिस दिन हमने अपने मुल्क के लिए सोचा ये ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ग्रोइंग एट अ डिफरेंट पेस सिंस 2000। दे ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.4% पर एनम ड्यूरिंग 2000 to 2007। ये वो पीरियड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप डोनर से कहेंगे कि दिस इज आवर प्रोग्राम एंड यू शुड सपोर्ट अस। वो ये पीरियड वो था जिसमें हम खुद पॉलिसी बना रहे थे, हमारे अंदर सलाहियत थी। लुक एट द पेस ऑफ इंक्रीज 1.4% पर एनम। द पेस एक्सेलरेटेड टू 6.2% पर एनम ड्यूरिंग 2008 to 2015 एंड द पेस फर्दर एक्सेलरेटेड टू 8.6% ड्यूरिंग 2016 to 2023। स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेट बढ़ता चला गया क्योंकि पॉलिसीज हम नहीं बनाने लगे, पॉलिसीज किसी के हमने आउटसोर्स किया। जब आप दूसरों के हवाले करेंगे यह असर होगा, लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पे होंगे तो ये ग्रोथ 1.4% था। फर्ज कर लें कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया इंटरनेशनल मार्केट में, 5 साल उसका टेन्योर है। तो उसकी जब पैकेजिंग होती है, पेमेंट का शेड्यूल जब बनता है, वो इस तरीके से बनता है कि उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर हमने 5 साल में उसकी अदायगी कर देनी है। डेट की प्री पेमेंट का शेड्यूल बनता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, दोनों को कंबाइन करके उसके डेट की रीपेमेंट के लिए एक उसका 5 साल में एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसपे हम अग्री करते हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वो जो 5 साल का था, आप उसकी डेट की पेमेंट को 10 साल पे लेके चले जाएं, बजाय कि मैं 5 साल में आपको एक $1 बिलियन का डेट जो है वो रीपे करूंगा, मैं उसको 10 साल में करूंगा। तो क्या हुआ कि माय डेट बर्डन विल रिड्यूस इमीडिएटली बाय 1/2। तो अगर बाय मल्टीलैटरल्स के साथ ये अरेंजमेंट हो जाए और इसी तरीके से प्राइवेट क्रेडिट के साथ ये हो जाए, ऑफिशियल बायलैटरल क्रेडिट के साथ अगर हो जाए, तो दिस विल बी ए ग्रेट रिलीफ टू लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन एड्रेसिंग देयर डेट सिचुएशन इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इसको कैसे इंप्लीमेंट कैसे करना है? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें वर्ल्ड बैंक को भी शामिल होना होगा, IMF को भी शामिल होना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी शामिल होना होगा, और IIF इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस, ये दे विल डील विथ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, जो उनको लाएंगे एक पेज पे, और उसके लिए ये 3 अदारों को 4 अदारों को मिल के ये काम करना है, और ये G20 के फ्रेमवर्क में ये चीज़ें हो सकती हैं। बट यू आर प्रपोजिंग इज डेट हम डेट जो है वो 10 साल के लिए डिले कर दें। तो डेफिनेटली मल्टीलेटरल के इश्यूज़ में तो क्रेडिबिलिटी शायद इशू ना हो इतना, लेकिन बायलेटरल और प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी इशू होगा। बिकॉज द इशू इज़ कि हम कह रहे हैं कि पॉलिसी हम नहीं बना रहे, लेकिन जब हम उनसे रीनिगोशिएट करेंगे तो पॉलिसी भी वो डायरेक्ट करेंगे। द सेकेंड थिंग इज डेट व्हाट्स द कैच, जो हमारे पास डोनर है वो ये फ्रेमवर्क क्यों अडॉप्ट करेगा? पाकिस्तान हैज ऑल्सो बीन द बेनिफिशियरी पेंडेमिक के बाद, उन्होंने डेट रिलीफ प्रोवाइड किया, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं था। यानी कि आप सोचें कि 77 मुल्कों में से 44 ने अप्लाई किया और टोटल जो उनको रिलीफ मिला $5.7 बिलियन का नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे, ये सारे डिटेल मेरी प्रेजेंटेशन में, उसमें ऐसे ऐसे कंडीशन लगा दिए थे, आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है। वो बहुत सारे मुल्क नहीं जाना चाहते हैं, हम तो बड़े शौक से चले जाते हैं ना, वो ना भी बुलाए तो हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मुल्क नहीं चाहते हैं, उनको पता है कि कितनी मार पड़ती है। तो वो जाहिर सी बात है, इसका एक प्री कंडीशन ये था कि यू हैव टू बी इन द IMF प्रोग्राम। तो बहुत सारे लोग जो नहीं चाहना चाहते थे वो नहीं गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। दूसरा इसमें ये था कि जब आप ये रिलीफ लेंगे तो यू कैन नॉट गो टू द बॉन्ड मार्केट, तो यू विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन द IFIs के लोन पे आप जिंदा रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान प्रोफेशनल को इसमें शामिल करे निगोसिएशन में ऑन देयर ओन बिहाफ, नॉट द एडिशनल सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी, एक्सपर्ट को शामिल करें। पाकिस्तान में हैं अच्छे अच्छे लोग हैं, वो उनके साथ बैठे
कि जी ये हमारा प्रोग्राम है, आपके जो डेट रिलीफ मुझे आप प्रोवाइड करेंगे तो हमने उसको इस तरीके से अपना प्लान बनाना है। आपका दिया हुआ प्लान नहीं होगा, क्योंकि आपके दिया हुआ प्लान जो है वही है रन ऑफ द मिल 40 साल पुराना स्टेबलाइजेशन, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करो और डेट पर डूब जाओ और फिर हमारे पास दोबारा आओ। कर्जा माफ़ कर देने की बात नहीं की कभी भी। आई नो कि मैं इसका ये नहीं चाहूँगा कि कर्जा माफ़ कर दिया जाए, मैंने सस्पेंशन की बात की है और उस पीरियड के लिए जो उनके साथ बैठ के आपने निगोशिएशन करनी है उसके लिए आप बैठ के फिर IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, गवर्नमेंट की अपनी टीम के साथ बैठ के बातचीत करें। आपका अपना एक प्रोग्राम होना चाहिए, पूरा एजेंडा होना चाहिए जो आप उनके सामने रखें कि हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज द रिलीफ दैट द G20 अंडर G20 फ्रेमवर्क दैट पाकिस्तान और एनी अदर लो इनकम डेवलपिंग कंट्री जो 77 के करीब हैं, दे विल बी गेटिंग एंड दे विल बी यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज।